आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की वाई कैटेगरी सुरक्षा हटा दी। आजम खान की सुरक्षा हटते ही बहुत सारे सवाल खड़े हुए। क्या आजम खान अब बिना सुरक्षा के बीच पब्लिक के बीच में जाएंगे या अदालतों के चक्कर लगाएंगे? सवाल तो ये भी है कि आजम खान की सुरक्षा हटना आजम खान के लिए भी खतरा है। लेकिन बहरहाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आजम खान की सुरक्षा में तैनात बाई कैटेगरी के जो घर पर गार्ड थी वो और 3 अंगरक्षकों को फिलहाल वापस ले लिया है। क्या जानकारी दे रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस, सुन लेते हैं क्या कह रही है। आज सुरक्षा मुख्यालय से एसपी साहब का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लिखित है कि मोहम्मद आजम खां माननीय पूर्व विधायक रामपुर को पूर्व से प्रदत्त वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस आदेश के क्रम में उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है वाई श्रेणी की। उनके साथ 3 गनर और आवास पर गार्ड थी। सभी पुलिसकर्मियों को वापस बुलाकर लाइन में आमद कराई गई। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।